सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं एक नहीं दो नहीं पूरे तीन यूट्यूबर से मिलने के लिए। तो गाइज जा रहा हूँ मैं अभी तीन यूट्यूबर से मिलने के लिए, और कौन होगा वो और कितनी देर में पहुँचूंगा तो सभी आप लोगों को इस व्लॉग में पता चल जाएगा। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड भाई लाइक भी कर देना इस व्लॉग को। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते। सो गाइस अभी मैं एक जगह रुका हुआ हूँ, करीब 65 किलोमीटर जो है मैं गाड़ी चला कर आ चुका हूँ। और ये जो शॉप है ये वाली जो आप देख रहे हो ये वाली, यहाँ पर मैंने अभी एक समोसा वगैरह खाया क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। बट यहाँ पे समोसे के अलावा कुछ और था भी नहीं खाने के लिए, मेरा खाने का मन नहीं था समोसा, क्योंकि थोड़ा सा मसालेदार हो जाता है और सफ़र में ज़्यादा परेशानी हो सकती है मसाला ज़्यादा खाने से, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इस वजह से मैं वो अवॉइड करना चाह रहा था, बट कुछ था नहीं तो मैंने ठीक है एक ही खा लिया। एंड अब 15 मिनट गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, गाड़ी भी लगातार चला तो लाया हूँ, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से एंड देन फिर देखते हैं कहाँ पर रुकेंगे। तो आपको ब्लॉग में बने रहना। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 3:47 और मैं गाड़ी चला चुका हूँ पूरी 137 किलोमीटर्स, और ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ अभी अपने बैक कैमरे से। ये देखो गाइस पूरा 137 किलोमीटर्स में गाड़ी चला चुका हूँ अभी मैं। एंड ये कोई देवड़ी नाम की जगह है, यहाँ पे मैं रुका हुआ था तो बहुत तेज टॉयलेट भी आ रहा था, मैं सोचा जल्दी से यहाँ पे टॉयलेट भी कर लेता हूँ और थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। तो 15 मिनट यहाँ रुकने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एंड देन अब सीधा इंदौर रुकूंगा और फिर वहाँ से देखते हैं और कितना है। वैसे अभी यहाँ से 210 किलोमीटर है पूरा। तो गाइज अभी मैं एक जगह रखा हुआ हूँ, और ये जगह कौन सी है मुझे तो मालूम नहीं है। भैया कौन सी जगह है ये? दयानगर है, इंदौर में ही है। इंदौर में है, इंदौर बाहर। अच्छा, आ गया। तो गाइज फाइनली अभी मैं इंदौर पहुँच चुका हूँ और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं इंदौर हूँ। वो तो ये यहाँ पे एक टर्न जा रहा था खांडवा के लिए, इस वजह से मैंने भैया से पूछा कि मुझे खरगोन जाना है तो कहाँ से जाऊँ। तो भैया ने मुझे बताया कुछ सीधा जाना है, कहीं पे भी नहीं मुड़ना, सीधा ही जाना भैया, कहीं मुड़ू नहीं है ना। हाँ ठीक है, हाँ उल्टा तो डर लेते। ठीक है भैया, ओके जी। तो अभी 150 किलोमीटर और जाना है। तो गाइस फाइनली अभी मैं एक जगह और अपनी गाड़ी को रेस्ट देने के लिए रुका हूँ, और ये जो जगह है ये जगह है इंदौर हाईवे, इंदौर खरगोन हाईवे। और मैंने टिक्की बनवाई है, भूख भी लग रही थी तो एक टिक्की खाऊँगा, आप लोग भी खा लो, यहाँ से देखते हैं इंदौर हाईवे की कैसी होती है। सो गाइज अभी बज गए 6:14 शाम के, और अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं हूँ कहाँ पर, बट अभी भी जहाँ मुझे जाना है मेरी जो डेस्टिनेशन है वो मेरे से करीब 113 किलोमीटर अभी भी दूर है। तो 113 किलोमीटर मुझे अभी और जाना है, ट्रैवल करना है बाइक से अपनी, और पीछे का भी दिखाता हूँ, अंधेरा होने वाला है वरना फिर दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत मस्त है। गाइज मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है जाने के लिए, बट मैं ना अपने आप को रोक नहीं पा रहा आप लोगों को ये दिखाने से। ये देखो कितना खूबसूरत है यार, मतलब पूरे में चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, मतलब देखो यार कितना खूबसूरत है ना। ये देखो यार आप लोग, अभी भी 100 रह गया है भाई, अभी भी 103 करीब है जाना है, 103 किलोमीटर और चला गया गाड़ी, अंधेरा भी होने वाला है। और थोड़ा सा रुक गया था 5 मिनट के लिए, जगह अच्छी लगी तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। एंड अब निकलता हूँ, बस सर्दी बढ़ गई है वरना परेशानी हो जाएगी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जगह चेक करो यार एक बारी, देख रहे हो वहाँ साइड में, फाक यार देख रहे हो, मतलब पूरा नीचे ना घर घरी घर घरी घर हैं। और देखो दिखाता हूँ, ज़्यादा जूम करूँगा तो फटेगा, लेकिन क्या मस्त जगह है यार, सही में एकदम औसम है भाई, क्या जगह है यार ये गुरु, बहुत अल्टीमेट जगह है भाई ये। अभी ये भाई मुझे मिले हैं, ये भाई मुझे रास्ते में मिले थे और ये भाई ने ही मुझे यहाँ पे होटल तक पहुँचाया है, और बहुत सस्ते में इन्होंने मेरे को करवा दिया, 400 रुपये में एक होटल करवा दिया है, और सर्दी लग रही है बहुत भयंकर वाली। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, ये भाई मुझे रास्ते में मिले थे तो इन्होंने मुझे होटल तक तो पहुँचा दिया। और जहाँ मुझे जाना था दुलकोट यूट्यूबर से मिलने के लिए, वहाँ इस टाइम अभी मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वहाँ थोड़ा आदिवासियों का इलाका है। क्या है भाई आप थोड़ा बताओगे? वहाँ क्या आदिवासी का इलाका है, रात में लूट पटेरी करते हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया था, अभी खरगोन में ही रुके भैया। तो इसलिए भाई मैं खरगोन में रुका हूँ, वहाँ लूट पाट होती है, बता रहे थे भाई को तीर वीर मार देते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी भी जाती है तो उस पर अंडे मारते हैं कच्चे, ताकि उसका वो जो वाइट पार्ट होता है ना वो साफ़ नहीं होता, तो फिर वो मतलब मारते भी तीर वो लोहे वाले हैं, बंदा एक बार में निपट जाता है, पूरी लूट पाट करके आराम से चले जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा किसने लूट करी क्या करी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जाते ही नहीं हूँ, छोड़ो
तो सुबह निकलूंगा मैं, तो अभी मैं यहाँ होटल में रुकता हूँ, ठीक है। और भाई को बहुत बहुत थैंक यू भाई अगेन, ठीक है भाई, मिलते हैं और कभी, ठीक है भाई, कभी जरूर मिलेंगे, है ना। तो अभी मैं होटल में अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो चलिए अभी जाके एडिटिंग भी करनी है। तो भाई मैं यहाँ धूमकोट आया था ब्रज भाई से मिलने के लिए और अब्दुल भाई से मिलने के लिए। और ब्रज भाई से मेरी पहले से बात हो रही थी, अगस्त में भी बात हुई थी पिछले साल, वीडियो कॉल पर, हाँ जब स्ट्राइक आया था तब भी बात हुई थी भाई से। और ऐसे भी दो तीन बार बात हो चुकी थी, कल मैंने एड्रेस पूछा था। इससे पहले जब मैं आया था तो क्या हुआ था कि मतलब उधर की साइड भी ना खरगोन है, भोपाल की साइड, मैं भोपाल से आया हूँ यहाँ पर, तो मैं उधर 100 किलोमीटर पहुँच गया एक्स्ट्रा, गलत पहुँच गया था। फिर मैं वापसी आया परसों घर पे, फिर अब मैं आज आया यहाँ पे, आज सुबह, कल रात में आ गया था वैसे मैं खरगोन,